अंबाला कैंट से आजाद प्रत्याशी चित्रा सरवारा को लगातार जनसमर्थन मिल रहा है, तो वहीं चित्रा लगातार डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क साधने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो काम चल रहे हैं उसे पूरा करवाया जाएगा और जो अधूरे हैं उन्हें शुरू करवाया जाएगा। चित्रा सरवारा ने कहा कि इस बार हमें पहले से ज्यादा जनसमर्थन मिल रहा है और पिछली बार जो बदलाव होते होते रह गया था वे अब होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि भयमुक्त अंबाला बनाएंगे, पिछले 5 सालों में सांस रोक कर जिया है, न जाने किस पर केस हो जाए। बाढ़ को लेकर चित्रा ने कहा कि सरकार ने आज तक ये नहीं बताया कि कितना मुआवजा है और वह कहां पर खर्च किया गया है। और क्या कुछ बोली आजाद प्रत्याशी चित्रा सरवारा, आइए आपको सुनवाते हैं। शहरी इलाकों में थोड़े कमजोर रहते थे आप पिछली बार, इस बार क्या प्लान है, कैसा रुझान मिल रहा है इस बार शहरी? देखिए, अब की बार हमें बहुत पहले से बेहतर रुझान का जन समर्थन मिलता जा रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार जो बदलाव पिछली बार होते होते अंबाला में रह गया था, अब की बार वो पूरी तरह से सिरे चढ़ेगा। भयमुक्त की बात कर रही है, क्या मामला है? देखिए, अंबाला पिछले 5 साल और उसके पहले 5 साल भी एक मैं कहूंगी सांस रोक के जिया है। यहाँ पे सबको डर रहा है, ना जाने कब बुलडोजर आ जाए, ना जाने कब किसके ऊपर ड्रग डिपार्टमेंट की रेड हो जाए, किस पे केस हो जाए। तो इन सारी चीजों के चलते आज हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि पब्लिक का नुमाइंदा जो होता है उसकी जिम्मेवारी होती है और जवाबदेही होती है पब्लिक की तरफ, और एक भयमुक्त अंबाला बनाएंगे, एक सांझा अंबाला बनाएंगे। बाढ़ ग्रस्त इलाका काफी रहा है, तो क्या मुआवजा मिल पाया शहरी इलाके को? देखिए, सरकार ने पिछली बार हमने ही बाढ़ पर पीसी करके अंबाला को बाढ़ ग्रस्त घोषित करवाया। आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कितना मुआवजा आया था और वो किस काम के लिए आया और उन्होंने कहाँ लगाया। आज तक 800 करोड़ से ऊपर की एक अमाउंट है जो कि डांगरी में तटबंध बनाने के लिए होनी थी, वहां की कॉलोनी और निवासी आज तक लड़ाई कर रहे हैं, ना अफसर ना यहाँ के जो नेता रहे हैं हमारे अभी तक अनिल विज जी, उनमें से किसी ने उस पर कोई कदम उठाया जवाब दिया। प्रत्याशी आपके कह रहे हैं दूसरे की भाई सिटी को वोट नहीं करनी बाकी? देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि वो अपना वोट नहीं मांग रहे, वो अनिल विज जी के लिए वोट मांग रहे हैं और इसीलिए वो सिटी को ही टारगेट कर रहे हैं, सिटी को ही निशाने पे ले रहे हैं। मैं समझती हूँ संवैधानिक अधिकार है, कोई भी खड़ा हो सकता है, मेरे अलावा और भी इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं, पर कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि जो प्रमुख दल बड़े बड़े टिकट्स लेके यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वो तो चुनाव हार चुके हैं तो अपना नहीं तो किसी का नहीं करने चले। एक नकारात्मक भाव के साथ जो भी काम करा जाता है उसका रिजल्ट ठीक कभी नहीं आता। आज वो अनिल विज जी की मदद करना चाहते हैं इन चीजों से, पर जनता नहीं फंसेगी। आप कोई बड़े बड़े वायदे नहीं कर रही है, कोई आपने अपना वो जारी नहीं किया? करेंगे, वादे अपने छोटे करेंगे जो पूरे हो सकेंगे। अंबाला को छोटी छोटी चीजों की ज्यादा पहले जरूरत है, बड़ी की भी है। देखिए, हम 4-5 दिशाओं में काम करेंगे, जो काम मौजूदा चल रहे हैं, जो काम हमने आगे शुरू करने हैं और जिन कामों को हमने दुरुस्त करना है, तो 2-3 कैटेगरीज में ये काम होंगे और उसी हिसाब से हर चीज लेंगे, चाहे वो रजिस्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी, ड्रेनेज गार्बेज सीवरेज होगा, चाहे स्कूल होंगे, एजुकेशन होगी, एवरीथिंग विल काउंट इन दैट।